हालात ऐसे ठीक क्या वबा गो पौद दुनिया तक नजर दिन और दूर दराज जाए पे ब्लॉक के ब्लॉक प्रेसिडेंट मुमताज अली शाह साहब और महिला कांग्रेस के हमारी तरफ से और हम चाहते हैं कि पार्टी भी इसको नामनेट करे एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कांग्रेस हलीमा जी गुलाम कादिर साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह अजीज बाकी बिन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह सो सु गाट जारू नू वेलकम करान शिमिमा रैना जी तिमो तशरीफ और तुंदिस हॉस्टलस मज गोहरियर सनिस हॉस्टलस मज गोहरियर तिकाज इमो छ वरिया बोर्ड कंट्रीब्यूशन कांग्रेस पार्टी अंदर और एम सो छ यूजन अजीज फंक्शन इज 30 साल बहुत साल पहले में सन जुड़ी हुई है लगभग 10-12 साल से पहले इससे जुड़ी हुई है। मैं आज अनाउंस करती हूँ हलीमा जी का कि ये हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बहुत बहुत शुक्रिया और मैं हमेशा नहीं पता था मैं कुछ अच्छे पंच कितने हैं सरपंच देखिए पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ तशरीफ लाया और हमारी इस आवाज़ को के साथ आवाज़ मिलाई। तो आज के जो प्रोग्राम का मकसद है आवामी बेहदारी मुहिम का एक सिलसिला है जो हम लोगों के साथ उनकी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाकर उनके शाना बशाना उनकी जो आवाज़ है सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं, चाहे वो यहाँ के दुकानदार हों, चाहे हमारी माँ बहनें हों जिनके साथ आज आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, चाहे वो हमारे छोटे छोटे काम करने वाले मजदूर हों, चाहे वो घर में हमारी जो बहनें हों बैठी हुई हैं उनकी जो आवाज़ है वो सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि जब यूपीए सरकार थी उन दिनों 350 रुपये का गैस सिलेंडर था, आज वही 1100 रुपये का है। महंगाई की मार है, आप पेट्रोल को देखिए कहाँ है, आप खाने पीने की चीज़ को देखिए, जो हमें तेल जो 300 रुपये ये 1500 रुपये का टीन था आज वो 3600 रुपये का है। तो ये चीज़ें हैं जो आम आदमी के चिकन ये अपना किचन है बड़ी मुश्किल से चल रहा है। लोग हमारी बहनें चलाना तो इन्हों नहीं है, इनके साथ आज वही बात हम कर रहे हैं कि किचन में तो इन्हीं का काम है, यही काम चलाते हैं, इनको पता है आज घर चलाना कितना मुश्किल है। इनकी मुश्किलात को देखते हुए इनके साथ हमने इंटरेक्ट किया कि आप आज के दौर में कैसे अपने घर को चला रहे हैं। यही बात हम यहाँ की सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं कि ये जो महंगाई की मार है लोग जूझ रहे हैं और खासकर हमारे डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में आज जो आप देख रहे हैं सर्दी के आयाम ज़्यादा शुरू होने वाले हैं, आगे बर्फबारी होगी तो इन पोलों का क्या होगा, जो आज लगने चाहिए थे जो आज से 2 महीने पहले लगने चाहिए थे। यही हम सरकार से मुतालबा कर रहे हैं कि आप कागजों में तो बहुत कुछ कह रहे हैं लेकिन जमीन पे कुछ नहीं है। आप जागिए, होश में आइए और लोगों की जो काम है, लोगों की जो बेरोजगारी उसको दूर करिए, उनकी मदद करने की कोशिश करिए ताकि ये लोग रीप का